ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। याकूब मेमन सेंट्रल जेल नागपुर में बंद, आतंकी घटना के हर पहलू पर रखी हुई है नजर मुख्यमंत्री। पूंजी निवेश के संबंध में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के दावे हैं खोखले, मनप्रीत बादल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है SGPC। जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मंच साझा करेंगे। नागपुर के सेंट्रल जेल में याकूब मेमन कैद, हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट है कि एक आरोपी जो अपने परिवार सहित अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा है, उससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, और उसने भारतीय संविधान पर, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करके, विश्वास करके अपने आप का आत्मसमर्पण किया है। और जिस हिसाब से CBI 25-30 साल से पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई थी, वो सारा खुलासा उसने एक दिन में हमारे CBI को मुहैया किया है। वो तमाम चीज़ों का सहयोग देते हुए, भारतीय CBI को सहयोग देते हुए, उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ नरमी बरतने का जो अधिकार है महामहिम राष्ट्रपति को है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपना जजमेंट देता है तो महामहिम राष्ट्रपति उसमें फेरबदल करके माफ कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपने रिपोर्टेशन में 10 उदाहरण दिया हूँ। मेरे पास 27 उदाहरण रिकॉर्ड के साथ रखे हुए हैं। कानून की प्रतिक्रिया के हिसाब से याकूब मेमन का नंबर 7वें नंबर पे आता है। अगर सबको फांसी की अगर हम सिक्वेंस देखिए तो 7वें नंबर पे आता है। उसके पहले 6 आरोपियों को फांसी होना चाहिए। वो 6 को पीछे रखकर गवर्नमेंट ने याकूब मेमन को आगे लाई। क्या कारण है उसका? उसका कारण है, असल में यह है कि BJP जिस हिसाब से अपनी पॉलिसी यहाँ सेट कर रही है, हिंदू वोट को एक तरफा करने के लिए ये सब जो है खेल खेला जा रहा है। हिंदू वोट को खुश करने की पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है, भेदभाव के तहत ये काम हो रहा है। प्रक्रिया मिलिए भी है कि जो प्रोसेस है यहाँ से और राष्ट्रपति को भेजने की, महामहिम को और राज्यपाल को भेजने की, वो भेज के हम पूरा करेंगे। हमने दोनों चीज अगर नहीं बरती गई, फांसी वाजिब है, फांसी होना तय है, अगर उसको उम्र कैद नहीं होती तो MIM आगे कहां जाएगी? क्या करना है? हम अपने देश की कानूनी प्रणाली, कानूनी प्रतिक्रिया के साथ है, संविधान पर हमको विश्वास है। अगर महामहिम को उसमें अधिकार है रिजेक्ट करने का, स्वीकार करने का, लेकिन हम बार बार नम्र निवेदन यही है कि उसको अगर फांसी दे देते हैं और बाद में अगर हमको मालूम पड़ता है कि नहीं हमसे गलत गलती हुई, तो हम उसकी जान को वापस नहीं ला सकते। इसलिए उसको डिले करके उस पर एक बार और इंक्वायरी की जा सकती है, उसको डिफेंस करने का एक बार मौका दिया जा सकता है। वो जिस तरीके से अपने आप को साबित कर रहा है कि मैंने नहीं किया, उसको एक बार डिफेंस करने का मौका देना चाहिए। नागपुर MIM सलीम का साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से नागपुर पे कलेक्टर को उन्होंने आवेदन सौंपा, अपने कुछ मांगे उन्होंने रखा है, कुछ आवेदन पे उन्होंने लिख के दिया गया है, और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक याकूब मेमन को अगर फांसी दी जाती है, एक रिपोर्टेशन के जरिए उन्होंने फांसी को रोकने की मांग की है, फांसी को और उसको उम्र कैद में तब्दील करने की बात की है, अगर उसके बाद भी उसको फांसी होती है तो सलीम का डायरेक्ट ये कहना है कि जो हमारे देश का नियम है, जो कानून है, हम उसका अनुल्लंघन नहीं करेंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ सलीम रहमान, टाइम न्यूज, नागपुर। गुरदासपुर के जिले के आतंकी हमले के बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह ने कहा, हर पहलू पर रखी हुई है नजर। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर में हुए आतंकी हमलों के संबंध में सारी सतर्कता बरती जा रही है। इस घटना पर काबू पा लिया जाएगा, यह कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का। इसके अलावा उन्होंने इस घटना में खुफिया एजेंसियों की विफलता पर कहा कि खुफिया एजेंसियां अपना काम अच्छे से कर रही है। इस घटना में घायल हुए दीनानगर थाने की नाइट मुंशी की माने तो एकाएक हुए हमले से सभी हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने खुद आतंकियों का मुकाबला किया, लेकिन गोली लगने से वह और उनके साथी घायल हो गए। मैं थाना दीनानगर में नाइट मुंशी लगा हुआ, सवेरे 5:30 बजे नाल बाहर सड़क के उत्ते अंदर धुंध फायरिंग की आवाज़ आई। मैं ये देख सुन के आवाज़ तो बाहर गया सी। जो मैं बाहर गया तो अगे ना एक गड्डी रुकी, चिट्टे रंग की मरुती, उस 3-4 बंदे जोड़े है फौजी वर्दी में बाहर निकले, जिन्होंने आ के थाने के अंदर आ गए। आंधे उन्होंने जोड़ा है भी अंधा धुंध फायर करनी शुरू कर दी। अं वेख के अपना गेट बंद कर लिया थाने का। उन्होंने गेट उत्ते भी काफ़ी गोलियां चलाइया, फायरिंग किया गेट उत्ते भी। गेट लक्कड़ का होने करके जोड़ा है कोई नुकसान नहीं हो सकया उस वे, पर उन्होंने लागे शीशा हैगा जी लगे का, वह तोड़ के ना उसे फायरिंग की, जिस करके ना साडे संतरी जोड़ा है वो पेट से गोली लग गई। उस तो बाद मैं संतरी की जी रफल लैके कोठे चढ़ गया, कोठे उत्ते मैं उन्होंने मुकाबला कर रहा, मैं भी अगू किया काफ़ी। वो जदों मुकाबला कर रहा साढ़े पिछले पास ना एक पुरानी बिल्डिंग हैगी है, वो डबल स्टोरी है, मैं स्टिंग स्टोरी से बैठ चढ़िया है। उन्हें उत्तों डबल स्टोरी के उत्ते मेरे तो फायरिंग की,
एक मेरी बांह दी लगी गोली ते एक एक ब्रेस्ट में जिहड़े लत्त ते लगा है अपने गोडे दे उत्ते लगा जिहदे नाल मेरी जिहड़ी हड्डी जिहड़ी ओह फ्रैक्चर हो गई। मैं उत्थे डिग पिया ते उस तों बाद मैं अपने एसएचओ नूं फोन कीता, ओह वी आ गया मौके उत्ते। जदों ओह आ के उन्होंने कोठे ते आया छत ते आया तो गांह गया मर जा तो उहदे फायरिंग हो गई, उहदे फायरिंग कीती उहदे वी बांह दे उत्ते लगी गोली। तो उस तो बाद अं मैनू उन्होंने गड्डी आ गई थाने दूसरी और फिर मैं पा पू के इतने भी आए शिमला अस्पताल उत्थे उन्होंने मेरे फर्स्ट स्टेज किया उस तो बाद मैं रैफर इतने अमृतसर करता। पूंजी निवेश के संबंध में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के दावे हैं खोखले। मनप्रीत बादल ने कहा, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। तमाम धन्यवाद जी आया कहने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आए और रोजमर्रा दिया गतिविधियां चल रही हैं उस कड़ी दे विच उस लड़ी दे विच अटारी हल्के दे विच पब्लिक मीटिंग रखी है। हर रोज साड़ी कोशिश हुंदी है कि दो और जो पंजाब दे दरपेश मसले है उन्हां दी निशानदेही करदे हैं और उन्हां उहदी भी असी कोई ना कोई अपना हल जिहड़े है वो लोकां दे सामने और जिहड़ा कि वैसे ही होना सी वो कोई ऐ नहीं कि इन्हां दे कहण ते होना है वो प्राइवेट कंपनियां उन्होंने अपने फायदे वास्ते कर वन सैक्टर विच डज नॉट क्रिएट जॉब या 1400-1400 करोड़ भी कह रहे हैं वरना कुछ नहीं आया। सो अच्छ असी इस गल की चिंता करते हैं कि हो गया है कि सिवाए नारे के वाद्या तो कुछ पंजाब के सिक्योरिटी एजेंसी है वो बड़े पैनिक जे करे हुए हैं और लोग जोड़े है इस गल तो भी बड़े तंग है। बादल साहब नूं मजबूरी जाहिर करदे हुंदे सी कि साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया च साडा कोई हथ नहीं पैंदा। सो ये दोने करन दी जरूरत है क्योंकि जे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना हुई सानू खदशा है कि डिप्लॉयमेंट जरूरी आ ते वक्त है सियासी जमातां नूं इस गल ते इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो ये दो तुहानूं ज़हमत दित्ती इत्थे आउण दी। किसी नूं कोई सवाल होवे इस प्रेस नोट दे मतलब क्या और या कोई होर तकरीरां तो ग्राउंड लेवल ते कुछ भी नहीं होया और जे इन्वेस्टमेंट जिहड़ी हिंदुस्तान च तां इत्थे पुलिस दी तौत है इत्थे पटवार दा डर है लोक वैसे भी जी अज अमृतसर देहाती मजीठिया ते अटारी हल्के दे विच पीपल पार्टी ने पब्लिक मीटिंग जिहड़ियां है वो मुनक्कत कीतियां और इन्हां मीटिंग्स दे विच पंजाब दे दरपेश की मसले है और इन्हां मसलियां दी दारू की है बड़ी खुल के लोकां नाल विचार होई। इन्हां मीटिंगां दे विच लोकां ने बड़ा प्यार बड़ा बड़ी इज्जत दित्ती बड़े अदब ते सबर नाल लोकां ने सुनिया और दो गल्लां दी निशानदेही जिहड़ी अज दी इस मीटिंग च असीं करनी चाहुंदे हां। सब तो पहला तो यह है कि पंजाब दे विच पिछले दो हफ्तियां तो पंजाब दी जिहड़ी इकोनमी है पंजाब दा जिहड़ा इंडस्ट्रियल आउटपुट है पंजाब दे विच जिहड़ा पूंजी निवेश हो रहा है उहदी दर दे विच बहुत वड्डी कमी आई है और ये कमी जिहड़ी है ये पीपल पार्टी नहीं कह रही ये एसोसीएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ते चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक बड़ी बड़ी डूंगी उन्हां दी स्टडी है उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है। पंजाब दे विच सरदार सुखबीर सिंह बादल ये गल क्या करते सी कि बड़ी वड्डी इन्वेस्टमेंट आ रही है दो वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियल समिट्स भी आई जिथे सानू दस्या गया कि 1,00,000 करोड़ रुपया पंजाब दे विच पूंजी निवेश होएगा जिहदे नाल टैक्स जिहड़ा है टैक्स सरकार नूं टैक्स भी मिलेगा तो बच्चों नूं नौकरियां भी मिलनगियां। अज वो जिहड़ी इंडस्ट्रियल समिट होए नूं 2 साल हो गुजरे है 1,00,000 चों 14,000 करोड़ भी जे पंजाब दे हिस्से नहीं आया और जिहड़ा 14,000 करोड़ तो थले थले आया है वह भी ज़्यादा जिहड़ा साडा इंटरनेट का नैटवर्क है अंडरग्राउंड नैटवर्क जिन्हों 3G या 4G कहिंदे वो तकरीबन उस खिते च आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है एसईबीसी टाटा और केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। उन्हें कंडीशनल हटाई है उन्हें कहा भी टाटा दे अधीन जिहड़ा सीबीआई या केंद्र दी एजेंसियां राही जिन्हां नूं सजा हुई है उन्हां नूं रिहा नहीं किया जा सकता तो इस वास्ते अजे ये तय करना बाकी है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਟਾਟਾ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸਵਾਸੀ ਓਵੈਸੀ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਕਹਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰਾਜਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਭੀਤ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਟੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥ ਮੰਚ ਕਰੇਂਗੇ ਸਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਹਮਾਰੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਬਦਲਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਮੰਚ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CPS ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਿ ਵਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਯਦਿ ਵਾ ਸਹੀ ਮੇਂ ਜਨਤਾ ਕੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੋ ਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇ CPS ਪਦ ਸੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਮਸਟ ਨਾਟ ਗਿਵ ਦੀਸ ਕਾਇੰਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ, ਦੇ ਮਸਟ ਆਈਦਰ ਕਮ ਆਊਟ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਵੀ ਟੇਕ ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਜੀ ਐਟ ਦਿਸ ਫੈਗਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ,
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਚ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਆਰ ਅਪ ਇਨ ਆਰਮਸ ਅਗੇਂਸਟ। आज के लिए बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.timenews.co पर।